हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे उन सभी को आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। सिलेंडर है, कोन है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको कर्व, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सभी फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? तो इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब है और जिनमें प्रत्येक का वॉल्यूम है 64 cm³। तो पहले हम यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 64 cm³। तो यहां से पहले हम वॉल्यूम से साइड निकाल सकते हैं क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, और इधर 64 होता है हमारा 4 का क्यूब। तो यहां से हमारी साइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 cm। क्लियर? अब 4 cm साइड के एज के 2 क्यूब हैं जिन्हें एंड टू एंड रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बना लें। ये हमारा पहला क्यूब हो गया और इसी से सटा के एक दूसरा क्यूब भी रखा गया है जिसकी एज 4 है। मीन्स 2 क्यूब का अगर बराबर बराबर रखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 4 था, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, 4 cm, 4 cm। ये इसकी ब्रेथ, लेकिन वो तो 4 ही रही। इसकी जो हाइट है वो भी 4 रही, लेकिन लेंथ में चेंज हो गया क्योंकि क्यूबॉइड बन गया। तो लेंथ कितनी हो गई? 8 cm। तो डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, देखिए लेंथ हो जाएगी इसकी 4 + 4 = 8 cm, ब्रेथ तो वही रहेगी 4 cm, और हाइट भी वही रहेगी 4 cm। सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो भी सरफेस इसकी दिखाई दे रही है उसका एरिया, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 × LB + BH + HL। मींस सभी फेस का एरिया, फ्रंट वाले का, पीछे वाले का, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह का एरिया। तो देखिए, L × B 8 × 4 प्लस 4 × 4 + 4 × 8। देखिए, इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन छोटी है, लेकिन आप कैलकुलेशन अच्छे से तैयार करें, क्योंकि तैयार करने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। कि ये तो छोटी कैलकुलेशन है, आगे आने वाले क्वेश्चन में थोड़ी और बड़ी कैलकुलेशन आएगी, और कैलकुलेशन में गलती होगी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा और ये आधे मार्क्स यहाँ से आपके गायब हो जाएंगे। 8 × 4 = 32 प्लस 4 × 4 = 16 और फिर 8 × 4 = 32। तो 32 और 32 हो जाएंगे 64, 64 में 6 ऐड करा 70 और 1 70 और 10 80, और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 160 cm². तो ये हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक, 160 cm². नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर सजाया गया है सिलेंडर। डायमीटर, तो पहले यहां से इसका डायग्राम बना के देख लें थोड़ा सा। हेमिस्फीयर है ये और इसके ऊपर सिलेंडर सजाया गया है। क्लियर? तो सिलेंडर का जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 cm है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 14, तो रेडियस जो हो जाएगी 14 cm के अपॉन में 2, मीन्स 7 cm रह जाएगी। किसकी है रेडियस?
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए जो रेडियस हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है कि जो हाइट होगी वही रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, मतलब ये भी तो रेडियस ही कहलाती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है कि टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। टोटल हाइट 13 है तो देखिए यहाँ से यूज हुआ 7, अब माइनस कर दें तो सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों का बेस सेम है तो रेडियस दोनों की 7 7 लगेगी, तो यहाँ पर ये 7। नोट भी करते जाए साथ साथ, डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स एक ग्लास की तरह है ये, लेकिन नीचे से कैसा है, हेमिस्फीयर। तो ग्लास में ये आ रहा है, मीन्स ग्लास के अंदर का सरफेस एरिया तो सी एस ए, क्योंकि बेस तो दोनों गायब है, ऊपर से खुला हुआ है नीचे से इसमें मिला हुआ है, और ये सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया मतलब 2πr², तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इक्वल्स टू इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स 2πr² प्लस हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया 2πr². यहाँ से हम 2πr कॉमन ले सकते हैं तो h प्लस r बचेगा, एक तरह से सिलेंडर का क्या बन गया, ये टी एस ए बन गया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू r है 7 और h है 6 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 जा हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 6 6 6, 12 1 13, और 13 4 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर² ये आ जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। फिर से ध्यान से, डायग्राम ही मेन है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन सजा हुआ है, बात समझ में आए। तो अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो लिख दें यहां पर डायमेंशन ऑफ कोन, तो रेडियस है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, इट मीन्स हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद टोटल हाइट है टॉय की 15.5, टोटल यहां से यहां तक 15.5 सेंटीमीटर। बताया था मैंने कि आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि रेडियस जो हेमिस्फीयर की होगी वही उसकी हाइट होगी, तो हर बार आपको टोटल हाइट दे रखी होगी ज़्यादातर मोस्टली, तो आपको वहाँ से रिमेनिंग हाइट निकालनी है। तो देखिए कोन की हाइट क्या आ जाएगी, यहाँ से टोटल हाइट 15.5, 3.5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो इसकी हाइट रह जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो कोन की डायमेंशन मिल चुकी है हमें, इसके ऊपर रखा किस पे, हेमिस्फीयर पर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये जो टॉय बना हुआ है एक तरह से लट्टू समझ लीजिए, उसकी शेप में बना हुआ है टॉय, और उसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया लिख के आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेमिस्फीयर का टी एस ए और कोन का टी एस ए लगा दें, जो शेप बनी है हमारे पास उसका सरफेस जितना भी दिखाई दे रहा है आपको वो सरफेस एरिया निकालना है। मतलब ये पोर्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर वाला क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है
और ये दिखाई दे रहा है कोन का ऊपर का, मींस आपको दिखाई दे रहा है कोन का सी एस ए और हेमिस्फीयर का सी एस ए। बात समझ में आए? तो हम कोन का सी एस ए और हेमिस्फीयर का सी एस ए निकालेंगे। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा हमारे पास एल प्लस टू बचेगा और आर बचेगा। अभी हमने एल की वैल्यू भी नहीं निकाली है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहां से एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां हम पाई की वैल्यू लगा दें 22/7, आर की वैल्यू लगा दें 3.5 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 × और आर की वैल्यू है 3.5 7 0.5 22.5 जब 110 तो 1 1 10 और एक डेट के बाद पॉइंट लग जाएगा एच स्क्वायर और एच कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस आर स्क्वायर 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 तो 12.25 प्लस 35 × 70 7.0। सॉल्व कर लें इसे, यहाँ बचा 11 और ये हो गया अंडर रूट के अंदर 144 प्लस 12 हो जाएगा 156.25 अंडर रूट में प्लस 7। अब ये किसका स्क्वायर होता है 15625, एक तरह से नंबर बन गया ये आपका। तो चेक कर लें इसे, यहाँ से पेयर बनाए हम इसे 15625 15 25 से हो जाएगा हमारा, रेशलाइज कर लीजिए इसे, फैक्टराइज कर लीजिए 15625 25 से डिवाइड करा हमने 6 × 150 बचेगा 6 1 हो जाएगा 62 2 × 5 × फिर 25 और फिर 25 मींस 5 × 5 × 5 125 का स्क्वायर होगा ये तो 11 और यहाँ से 125 का स्क्वायर होगा तो 12.5 बाहर निकल के आ जाएगा प्लस 7 तो 11 और ये दोनों हो जाएंगे 19.5 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 की 19.5 से 11 × 5 = 55 11 × 99 और 5 हो जाएगा 104 11 × 11 = 10 21 तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से सभी कुछ निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट फॉर्मूले और क्या है सरफेस वो देखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करें कि टी एस ए और डायरेक्ट सी एस ए लगा दें, क्लियर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 और इसके ठीक पीछे एग्जाम्पल भी दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और इस पर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो पहले हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लें, ठीक है, इसकी एज कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इस पर एक हेमिस्फीयर ब्लॉक रखा गया है, ये हमने रख दिया इसके ऊपर हेमिस्फीयर एक, ठीक है। अब हेमिस्फीयर पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, एज है। अगर हम 7 सेंटीमीटर से बड़ा डायमीटर लेते हैं तो क्यूब के बाहर जाएगा, 7 सेंटीमीटर से छोटा लेते हैं तो क्यूब के अंदर जाएगा। तो ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा लेना है डायमीटर तो हम उसकी एज के बराबर ही ले सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर
हो जाएगा एज ऑफ क्यूब के बराबर, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा लेंगे तो वो क्यूब के बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो जाएगी इस हेमिस्फीयर की वो कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आता है मेन कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्यूब में होते हैं 6 फेस और टी ए से होता है उसका 6 × साइड स्क्वायर। क्लियर। अब एक साइड के ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो उसने वो फेस घेर रखा है। तो देखिए सबसे ऊपर वाला फेस बना रहा हूं मैं, ये ऊपर वाला फेस है क्यूब के और इसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर, एक आधी बॉल इसके ऊपर रख दी गई है, मतलब वो सर्कल बनाएगी ऊपर। तो 6 फेस में से उसने ये सर्किल वाली जगह घेर ली है, तो बचेगा क्या, ये पोर्शन तो बचेगा और ये कैसे निकलेगा अगर हम टी एस ए में से सर्किल का एरिया माइनस कर दें। क्लियर। तो देखिए 6 × साइड स्क्वायर ये तो हो गया टी एस ए, उसमें से हमने सर्किल माइनस कर दिया, ये आ गया केवल आपके क्यूब क्यूब का इस एरिया जो क्यूब में जितनी जगह हमें दिखाई दे रही है। अब आएगा प्लस, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है और वो भी तो सॉलिड में आ रहा है, तो हेमिस्फीयर का टी एस ए होता है जो दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर वो होगा 2πr², तो इसमें हम वो ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ से हो गया 6 साइड स्क्वायर और 2πr² में से 1πr² गया तो बचेगा 1πr². अब यहाँ से वैल्यू लगा दें, 6 × 7² + 22/7 और r है 7/2, तो एक 7 से 7 कैंसिल 2 से 11 हो गया और ये हो गया 7² 49 और 49 6 जा तो 6 9 जा 54 और 6 4 24 और 5 29, तो ये हो गया 294 प्लस 11 7 जा 77/2, तो ये 77/2 को यहीं डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16.5। अब 294 में 38.5 ऐड कर लें और ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का कि आपको इसमें क्या निकालना है, हमें जो सॉलिड रखा हुआ है उसके अलावा क्या जगह बची है वो निकालनी है और फिर सॉलिड का एरिया निकाल लेना है। क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, वो भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेम। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अभी तक ऊपर रखा था अब डिप्रेशन मींस काट के निकाला गया नीचे से, कट फ्रॉम द बॉन पेज ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर दे रखा है हेमिस्फेयर का इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है, क्यूब की एज ऑलरेडी दे रखी है एल है एंड जो रेडियस हो जाएगी हेमिस्फीयर की डायमीटर दे रखा है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी L/2 ना? अब इसमें हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो भी बचा उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए फिर से हम बना लें क्यूब, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज एल है। अब यहां से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर से काटा गया है, बात समझ में आई। तो जैसे हमने इसका एरिया निकाला है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, निकालेंगे हम ऐसे ही। देखिए सबसे पहले तो हम इसके टी एस ए देख लें, क्यूब का वो होता है 6 × साइड स्क्वायर। अब इसमें से एक फेस पर सर्कुलर आर्क काटा गया है, मतलब एक सर्कल का एरिया एक फेस से कम कर दिया गया है, तो हम वहां से माइनस कर दें एक एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर। प्लस अब हेमिस्फेरिकल इसमें नीचे कट करा गया है
तो अंदर की ओर एक हेमीस्फीयर बन रहा है, तो वो भी तो एक सरफेस बन गई उसकी, और हेमीस्फीयर की सरफेस का एरिया 2πr² मीन्स चाहे वो ऊपर रखा जाए चाहे वो अंदर की ओर दबा के रखा जाए, काट के निकाला जाए, सरफेस तो एरिया दिख रही है, और सरफेस दिख रही है तो उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 × 2π² और 2πr² में से 1πr² गया, बचेगा 1πr². देखिए बिल्कुल यही है ना, बस यहाँ पर साइड दे रखी थी, यहाँ पर एल दे रखा है, तो ये हो गया 6l² साइड है प्लस पाई, और एल की इसकी आर की वैल्यू है l/2। देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको रख के कोई फ़ायदा तो हो नहीं ना, तो इसे ऐसे ही रहने दें, तो पाई l² / 4। अब जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें पहले, तो 1 और 4 का एलसीएम हो गया 4, और 4 6 हो गया 24 l² + πl² तो यहाँ से l² ऊपर से कॉमन ले लें, नीचे 4 है, तो हमारे पास बचा 24 + π। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर इन द फॉर्म ऑफ l / l² / 4π + 24। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक मेडिशन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, डायग्राम भी दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक कैप्सूल है सिलेंडर की फॉर्म में और दोनों तरफ इसमें हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है, और विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm, और डायमीटर दे रखा है 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। 5 mm इसका डायमीटर है, इसे हम यहाँ से मिला दें सर्कुलर एंड को दिखाने के लिए, तो ये है 5 mm। क्लियर? तो देखिए यहाँ से हमें क्या क्या मिला, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 5 mm, अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 2.5 mm। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो डायमीटर की रेडियस है भाई, इसकी हाइट होती है, पहले ही बता चुका हूं, तो ये 2.5, ये भी 2.5, मींस यहां से लेके यहां तक कम हो गई हाइट 2.5 mm, और ये भी 2.5 mm। हमें सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए हाइट निकालना जरूरी है, तो देखिए 2.5 मिलके 5 कम हो गया, तो जो सिलेंडर की हाइट रह गई 14 में से 5 गया, तो बचेगा 9, तो ये 9 mm, क्योंकि हाइट माइनस हो जाएगी, टोटल हाइट दे रखी है, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया। देखिए डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, उसकी भी रेडियस कितनी होगी 2.5 mm, और हाइट हमने निकाली है अभी 9 mm। सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, सरफेस एरिया में देखिए दोनों हेमिस्फीयर का एरिया आ रहा है और सिलेंडर का केवल बाहर बाहर का एरिया आ रहा है, इसके सर्कुलर एंड नहीं आ रहे हैं। जब सर्कुलर एंड नहीं आ रहे हैं तो उसमें पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा सर्कुलर का, तो केवल सी ऐसे लगेगा सिलेंडर का, प्लस सी ऐसे लगेगा 2 हेमिस्फीयर का, सी ऐसे ऑफ 2 हेमिस्फीयर। केवल आपको फॉर्मेशन आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को फॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, केवल कैलकुलेशन है, और ये कि आप कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किस किस चीज़ का। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr प्लस 2 है हेमिस्फीयर, तो 2 बाहर, और सी एस ए होता है हेमिस्फीयर का 2πr², तो कुल मिला के ये हो गया 4πr². यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लें, और एक बार सॉल्व करते समय जितना हो सकता है उतना कॉमन ले लें बाहर,
कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, नहीं तो यहां और यहां दोनों जगह सॉल्व करना पड़ेगा पाई को भी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इसमें हो गया 2.5, एच हो गया इसका 9 प्लस 2 इंटू 2.5, क्लियर। तो देखिए 25 2 जा हो गया 50, मतलब 5 रह गया, और 22 5 जा हो गया 110 अपॉन 7। यहाँ बचा 2.5 इंटू 2 5, और 9 और 5 हो गया हमारा 14, 7 2 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हमने कर दी, तो ये आ जाएगा 220 mm स्क्वायर, क्लियर। तो केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस किस फॉर्म में बना रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा इसके बाद 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है जिसे सजाया गया है इसके ऊपर कोन लगा के। तो जैसे टेंट आपने देखा होगा सर्कस में, बाजार में, मेलों में लगता है, सर्कुलर रिंग बनाते हैं पहले वो गोल गोल पत्थर लगा के, फिर उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बनाते हैं। तो इस तरीके से ये टेंट लगा हुआ है। तो टेंट कहाँ लगेगा, बिछाया तो जाएगा नहीं, और ना ही यहाँ पर इसकी छत बंद करी जाएगी, केवल उसके चारों ओर लगेगा टेंट, मतलब सिलेंडर का सी एस ए, और कोन के चारों ओर लगेगा तो कोन का सी एस ए, सिंपल। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, हाइट एंड डायमीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पोर्शन का। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 4, तो ये हो जाएगी रेडियस 2 मीटर। आगे दे रखा है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। देखिए सब कुछ दे रखा है इसमें आपको, एल भी निकालने की जरूरत नहीं रही। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कितना कैनवास लगा, और कॉस्ट निकालनी है 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास सबसे पहले, तो एरिया ऑफ कैनवास क्या क्या लग रहा है उसमें, सिलेंडर का सी एस ए प्लस, और लग रहा है इसमें कोन का सी एस ए, है ना। सिलेंडर का सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, और कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल। कोन लगा हुआ है सिलेंडर के ठीक ऊपर, तो जो रेडियस होगी सिलेंडर की वही होगी कोन की। तो 2 पाई आर में से हम पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 2 एच प्लस एल। वैल्यू पुट कर दें 22 अपॉन 7, और आर है 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 2.1 प्लस एल 2.8, ये हो गया 44 अपॉन 7, और ये हो गया 21 2 जा हो गया 42, 4.2 4.2 में ऐड कर लें 2.8, तो हो जाएगा 7.0, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास लग जाएगा एक टेंट को बनाने में। फिर कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास दे रखी है 500, 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपये का है, 44 कितने का होगा, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो 500 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 से, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 22,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास, क्लियर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। एक सिलेंडर में से, सॉलिड सिलेंडर है लाइक अ दिस चॉक, सॉलिड सिलेंडर है, अब इसमें से एक कोनिकल कैविटी को खोद के निकाला गया, मीन्स इसमें से एक कोनिकल गड्ढा किया गया, जैसे कि आप जमीन में स्टंप को दबाते हैं, क्रिकेट वाला स्टंप, तो उसमें कोनिकल शेप बन जाती है, उसी तरीके से। तो टी एस ए फाइंड करना है अब जो रिमेनिंग सॉलिड बचा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें एक सिलेंडर बना लें,
अभी ये सॉलिड है तो पूरा बंद है, ये नीचे से ऊपर से सब तरफ से। तो इसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें कोनिकल कैविटी खोदी गई है सेम हाइट सेम डायमीटर की, सेम हाइट और सेम डायमीटर की। तो एक कोन बना दे इसमें अंदर की ओर, तब यहाँ से ऊपर से उन्होंने कोनिकल कैविटी को डिप्रेशन बनाया तो ये ऊपर से ये कम हो गया होगा, मतलब ये जगह यहाँ से बिल्कुल गायब। क्लियर? तो उसका ऊपर का सरफेस एरिया बिल्कुल गायब हो गया, क्या बचा केवल नीचे वाला। अब जो हमारे पास सॉलिड बचा है उसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 1.4 अपॉन 2 डायमीटर है तो 1.4 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर रेडियस ऑफ कोन, कोन की भी यही होगी 1.4 अपॉन 2 क्योंकि सेम है, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका जो कोन की हाइट होगी वो भी सेम होगी 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सॉलिड। तो देखिए इसमें क्या क्या बचा, अभी अभी बताया था मैंने सिलेंडर कैसा था सॉलिड, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अभी सॉलिड का होगा। अब उसमें से एक पाई आर स्क्वायर कम कर दिया ऊपर से काट के, तो माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस कोन बना है अंदर तो कोन भी तो दिख रहा है, कोन का सी एस ए पाई आर एल, तो इस तरह के ले सकते हैं हम टी एस ए ऑफ सिलेंडर। उसमें से माइनस कर दिया गया है एक सर्कुलर एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर का सर्कुलर एरिया होता है, फिर इसमें से हम ऐड करेंगे सी एस ए ऑफ कोन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने, अभी यहाँ पर एक चीज़ और निकालेंगे। तो सिलेंडर का सी एस ए क्या, टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर यही होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल, क्योंकि सबकी रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर आर लिखा है, आर वन आर टू नहीं लिखा है, एल रह गया निकालने के लिए। एल कैसे निकालेंगे, तो एल इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू है 2.4 स्क्वायर और आर है 0.7, तो 2.4 का होता है 5.76, 0.7 हो गया 7 का स्क्वायर 49 तो 0.49, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25 जो कि 2.5 का स्क्वायर होता है। 9 और 6 15, 7 और 4 11 12 और 5 और 1 6, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास L भी आ चुकी है, सबसे कॉमन ले ले पाई आर, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2, 2 की कर दें अंदर मल्टीप्लाई, क्या बचा 2H प्लस 2R, एक R बचा और यहाँ पर L बचा, तो पाई आर, तो 2H प्लस 2R में से एक R गया, एक R बचा और L, बस अब वैल्यू लगा दीजिए सिंपल। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और R है इसका 0.7, 2 इंटू हाइट है 2.4 प्लस R है 0.7 और L है 2.5। क्लियर? यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ गया, 7 से 7 कट गया और वापस यहाँ पर 2.2 आ गया, 10 हटा के पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 24 टू जाओ गया 4.8 प्लस इन दोनों को ऐड कर ले हो जाएगा 3.2, 25 और 7 32 तो 3.2 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 8 और 2 10 मतलब हो जाएगा 8,
2.2 मल्टीप्लाई 8, और 22 8 दिया हो जाएगा 176, तो 17.6, और ये चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो सॉलिड बचा है कैसा, सिलेंडर में एक कोनिकल डिप्रेशन काट के, तो वो आ रहा है हमारा 17.6 सेंटीमीटर। इसे हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नियरेस्ट पूछ रहा है, लिखा हुआ है नियरेस्ट निकालना है हमें, तो नियरेस्ट में हम 18 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर 18 आ रहा है, और 18 आएगा नहीं, वो ऐसे ही आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, देखिए डायग्राम इसका, पहले एक वुडन आर्टिकल था, मेड बनाया गया है स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर काटा गया है एक एक, और हाइट है सिलेंडर की 10, एंड इट्स बेस रेडियस 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का, पहले सॉलिड ऐसा था, यहाँ से एक हेमिस्फीयर कैविटी निकाली गई तो ये गायब हो गया, यहाँ से भी निकाली गई तो ये भी गायब हो गया, अब ऐसी शेप में बचा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया था सिलेंडर का, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सर्कल गायब कर दिए, पाई आर स्क्वायर, केवल क्या बचा, सिलेंडर का CSA बचा। सिलेंडर के CSA में दो हेमिस्फीयर और ऐड हो गए, अंदर को डिप्रेशन काट के निकाले गए, तो डायरेक्ट लिखे हम TSA ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं तो CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, क्लियर। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πRH, और दो हेमिस्फीयर है तो 2 बाहर, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है CSA का 2πR2, टोटल मिला के हो गया 4πR2, बात समझ गए, सॉल्व कर लें इसे, 2πR कॉमन ले लें, बचेगा क्या हमारे पास H प्लस 2R, तो 2π की वैल्यू 22/7, और R इसमें दे रखा है 3.5, H दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू आर 7, और ये हो गया 0.5, 5 × 10 बचेगा 1, तो यहाँ केवल 22 रहा बाहर, 10 प्लस 35, 3.5 टू जा हो गया 70, 7.0, तो 7 लिख सकते हैं हम इसे, तो ये हो गया 17 टू जा 34, 17 टू जा 34 और 3 हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गया इसका आंसर, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मेन चीज आपको क्या समझना है इसमें, कि कौन सी चीज काट के निकाली जा रही है, कौन सी सरफेस हमें देखनी है, क्या बचा है, थोड़ा सा फील करिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, उसमें कौन सी चीज काटनी है, अब क्या बच रहा है, जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है हमें केवल उसी का एरिया निकालना है, क्लियर, नोट कर सकते हैं, थैंक यू।